आगरा में दिनांक 1 अप्रैल को जिला आगरा के बसवा बदरौली में देशी शराब ठेका पर शराब पीने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका नाम कालीचरण बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मैथिली ब्राह्मण, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, उसके परिवार वालों का आरोप है कि ठेके पर मिलावटी शराब बिकती है, मिलावटी शराब के कारण इनकी मौत हुई है। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम टिंकल है, मैं बदरौली से हूँ। और सुबह सुबह उन्होंने दारू पी थी, तो दारू पी के थोड़ी देर यहाँ पे जाते थोड़ी लेट गए थे, तो लेटते लेटते हमने सोचा ये उठे नहीं। फिर काफ़ी देर हो गई थी, काफ़ी देर होने के बाद हमारे बाबा जी ने बोला देख ये क्यों नहीं उठ रहे। फिर उठा के हम उनको अपने घर पे ले गए वहाँ पे बगल में, फिर वहाँ पे पानी वानी डाला तो कुछ नहीं हुआ। फिर इनको थोड़ा और डॉक्टर साहब को दिखाया तो उन्होंने की कि इसको शराब रिएक्शन कर गई है, शराब की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। तो ये पूछ रहे ये ठेका अभी चल रहा था या सुबह से? ठेका मार्च तक होता है, मार्च लास्ट डेट कल थी। आज भी यहाँ पे दारू बिकना भी अलाउ कर दिया गया है, पता नहीं ये बेच रहे थे कहाँ से बेच रहे थे। आज बंद था ठेका, टेंडर उठा हुआ नहीं है इसका देसी का, फिर भी यहाँ पे दारू बिक रही है। ब्यूरो चीफ देवेंद्र सिंह के साथ किशन, टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट, आगरा। जनपद फरुखाबाद के जहानगंज में बीजेपी द्वारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अंतर्गत मीटिंग की गई, जिसमें मुख्य अतिथि जय कुमार उर्फ जैकी भाई, कारागार मंत्री, उत्तर प्रदेश जिला अध्यक्ष लाला राम साग के पिछड़ा वर्ग विधायक सुनील साग, मुकेश राजपूत और सत्यपाल राठौड़ मौजूद रहे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पिछले इलेक्शन से अब भी कोई भाजपा की मीटिंग हो तो जनसैलाब कम से कम देखने को मिल रहा है। वही सवाल यह उठता है कि क्या इस बार मुकेश राजपूत कमल खिलाने में कामयाब रहेंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अश्विनी साग की रिपोर्ट, फरुखाबाद। जनपद लखीमपुर खीरी के बिजुआ ब्लॉक में शिक्षा महकमे के नए सत्र का अनोखे अंदाज में आगाज। वहीं सैकड़ों स्कूलों में नहीं पहुंचे जिम्मेदार अध्यापक, इस साल भी बिजुआ ब्लॉक के बीओ का नारा कि हम अपने मनमाने ढंग से आएंगे और मनमाने ढंग से ही समय से पहले ही चले जाएंगे, क्योंकि आपात संकुल प्रभारी खुद के स्कूलों व अन्य स्कूलों को देखने तक की जहमत नहीं करते। वहीं बीओ के कार्यालय पर स्थिति, स्कूल में जब समय से नहीं आते टीचर तो अन्य जगह का क्या हाल होगा। साथ ही 8 से 1 बजे तक स्कूलों का समय निर्धारित कर दिया है। सभी पंचायत प्रभारी ने कसम खाई है कि नहीं खुलेंगे समय से विद्यालय, योगी शासन के आदेशों को ठेंगा दिखाते बीओ बिजुआ। वहीं पर कई टीचर घरों में कैद तो कई आराम से चौराहों पर बैठे हुए, क्योंकि वो सभी समय से ना जाने की कसम खाए हुए हैं, क्योंकि जिले के डीएम महोदय की सुस्ती के चलते बीओ बिजुआ के हौसले बुलंद है। वहीं पैसे लेकर नहीं करते बीओ बिजुआ कार्यवाही, बिजुआ ब्लॉक में कार्यवाही बनी मजाक। अपात्र संकुल बनाए हैं बीओ बिजुआ, जिनके बलबूते लाखों रुपए कमाते और मासूम बच्चों के भविष्य से खेलते हैं शिक्षा महकमे के महान गुरुजन। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोनू लाल की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। जनपद गोंडा के तरबगंज में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भाजपा ने कसी कमर। कैसरगंज लोकसभा अंतर्गत तरबगंज के किसान बालिका इंटर कॉलेज में सांसद प्रत्याशी ब्रजभूषण शरद सिंह ने विशाल किसान मोर्चा सम्मेलन का किया आयोजन। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी ब्रजभूषण शरद सिंह के संयोजन में मुख्य अतिथि से प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह व क्षेत्रीय विधायक प्रेम नारायण पांडे, जिलाध्यक्ष पीयूष मिश्रा के साथ ही प्रधान सुरेश सिंह, अन्य पदाधिकारी व हजारों की तादाद में कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे। वहीं केंद्र सरकार की 5 साल की उपलब्धियों का गुणगान करते हुए सांसद प्रत्याशी ने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी के शासन में देश का चहुमुखी विकास हुआ है। कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासनकाल में किसानों की कर्ज माफी एक बार करके 54,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया था। वहीं मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक के हिसाब से 75,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दे रही है। साथ ही बताया कि कांग्रेस के शासनकाल में हिंदुओं को भगवा आतंकवाद के नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन मोदी जी देश से स्पष्ट बहुमत लाकर न कि सिर्फ हिंदुओं का मान सम्मान वापस लाए, बल्कि सबका साथ सबका विकास का नारा देकर देश के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। कर्णपुर हिल के ऊपर क्या क्या बीता, लेकिन मेरे मित्रों एक दिन था जब कांग्रेसी कहते थे कि इस देश के अंदर भगवा आतंकवाद से कतरा है, तिलक लगाने वाले आतंकवादी लगते थे, राम का पट्टा रखने वाले
आतंकवादी लगते थे। अगर मैं अपने सब तरफ से बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, मुझे रोक दीजिए, ये मेरा बयान नहीं है, कांग्रेस का है। लेकिन आपने मोदी जी को ताकत दिया, प्रधानमंत्री बने, आवाज इतना बेस कर दिया कि भगवा आतंकवाद वाले आज भोलेनाथ की शरण में टहल रहे हैं और हनुमानगढ़ी का दर्शन कर रहे हैं। ये भोलेनाथ वाले, ये भगवा आतंकवाद वाले आज भोलेनाथ की बात कर रहे हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रमाकांत पांडे की रिपोर्ट, गोंडा तरबगंज। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तारीख तय होने के बाद कांग्रेस व भाजपा के जनसंपर्क घमासान होता जा रहा है। वहीं दोनों पार्टियों के नेताओं ने विजय हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी क्रम में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज बरमकेला में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल का सभा, कांग्रेस पार्टी के सभा में हजारों की संख्या में भीड़ रही। साथ ही रायगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया के लिए मांगे आशीर्वाद। आज बरमकेला के मंगल भवन में सारंगढ़ विधानसभा की जनता को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार लालजीत राठिया के साथ में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित क्षेत्रीय विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े, रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, विधायक चक्रधर सिदार ने सभा को संबोधित किया। वहीं केंद्र सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की सरकार मोदी सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। वहीं केंद्र की सरकार घबरा गई, छत्तीसगढ़ 11 लोकसभा सीट में नए को टिकट देकर किस्मत आजमा रही है, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। वहीं इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार, इस बार आप लोगों ने प्रदेश में 68 सीट लाकर कांग्रेस की सरकार बनाई है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार केंद्र में राहुल गांधी की सरकार बनाने और रायगढ़ लोकसभा से लालजीत राठिया को एक बार फिर से आशीर्वाद देकर संसद तक पहुंचाना है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय श्रीमती वर्मा महाराज, शिक्षा विभाग को भी है, बहुत सारे स्कूल में कम शिक्षक होने की वजह से शिक्षा बहुत कम हो रही है। शिक्षकों की कमी पूरे जिले में करीब 4 शिक्षकों की कमी है। पिछले 15 साल से भर्ती हमने अभी यही किया है, अभी कम से कम शिक्षा कर्मी को भर्ती शुरू कर दिया हमने, क्योंकि आचार संहिता लगा है, इस कारण से उसमें देरी हो रही है। लेकिन उसके बाद बहुत तेज गति से शिक्षा कर्मी की भर्ती चल रही है। मैं जनताओं को क्या संदेश देना चाहूंगा, वो जो है
है आगे इसके पक्ष में मतदान करें और धान के पंजे को छाप दें और बटन दबाएं और कांग्रेस को मजबूत करें ताकि देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और लोगों ने देश के सभी वर्गों के विकास में बात करके घोषणा किया है कि प्रति माह करीब 6,000 रुपये मासिक बात क्या लग रहा है विधानसभा में जैसे जनता ने विश्वास से खड़ा होता था फिर क्या लोकसभा चुनाव में टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट छत्तीसगढ़।